नमस्ते मैडम, आपने मुझे बुलाया था। हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, दिवाली का बोनस और दिवाली की मिठाई देनी थी ना, तो ये रहा तुम्हारा दिवाली का बोनस और दिवाली की मिठाई। अरे ये क्या मैडम, ये तो 11 रुपए। अरे क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा लग रहे क्या? तुम एक काम करो, ये 10 रुपए ना मुझे वापस कर दो और 1 रुपए अपने पास रखो। क्या मैडम, ये पैसे आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ये तो बहुत कम है। आपको पता है आपके भाई ना हमें 1100 रुपए देते थे और ऊपर से कपड़े भी, और आप इसे ज्यादा बोल लो 11 रुपए को, ये तो बहुत कम है। हाँ तुम लोगों को ना अब इतना ही बोनस मिलेगा, और वैसे भी तुम लोगों ने ना मेरे भाई को लूट रखा है, और वैसे भी तुम लोगों को सैलरी तो मिलती है ना इस कंपनी से, और तुम लोग मुंह फाड़ के आ जाते हो यहाँ पे बोनस के लिए। और वैसे भी 1000 रुपए बोनस कौन मांगता है, जितना मैंने दिया ना उतना ही काफी है। और तुम्हें एक बात बता दूं, दिवाली का त्योहार चल रहा है, तुम्हें पता है हमारी कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है, हमारा कितने अच्छे अच्छे लोगों से टाइप है, उनके घर पे मिठाई भेजनी होती है, उन लोगों को पैसे देने होते हैं दिवाली के ऊपर ना। दिवाली का त्योहार ऐसा होता है, इतना कंपनी के अंदर बर्डन होता है, पूरी कंपनी लॉस में जा रही है। अब मैं आ गई हूँ ना, 1-1 रुपए का हिसाब रखूंगी, और जो तुम्हें फालतू का फिजूल पैसा मिलता है ना, ये बोनस वगैरह, ये सब कुछ ना बंद करूंगी, और ना तुमसे और डबल मेहनत करवाऊंगी। ठीक है मैडम, धन्यवाद और हैप्पी दिवाली। हाँ जी मैडम, आपने मुझे बुलाया। हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, वो एक्चुअली क्या है ना, दिवाली पास में आ गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पूरे स्टाफ को मिठाई दी जाए और बोनस। ये लो तुम्हारी मिठाई और ये 201 रुपया बोनस। अरे मैडम ये क्या, आप ये 11 रुपए बोनस दे रहे हो और एक ये मिठाई का डब्बा। मैडम इससे बढ़िया ये है ना कि आप इसको अपने पास ही रख लो, हमें बोनस नहीं चाहिए। और मैडम वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं जो आपके भाई यहाँ पे पहले रहते थे ना, वो हमारे को हर एक साल दिवाली वाले दिन 11,000 रुपये बोनस देते थे, और आप जब से आए हो ना वो अब से हमारे सैलरी में कभी किसी चीज़ में कटौती करते जा रहे हो। तो मैडम इससे बेहतर यही होगा ना, आप हमारे को ये बोनस दो ही मत। अरे यही तो प्रॉब्लम है, तुमने मेरे भोले वाले भाई को ना पागल बना रखा था बिल्कुल ही, और तुम ना किसी बहाने इस कंपनी से पैसा लूटने की कोशिश करते रहते थे। और वैसे भी तुम लोगों को जितना भी बोनस दिया जाता ना, तुम लोगों के लिए वही काफी है। और वैसे भी तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे कितना बोनस देना और कितना नहीं, जितना मैं दे रही हूँ ना उतना रख लो, वरना ये पैसे भी मैं वापिस रख लूंगी और ये भी नहीं मिलेगा, समझ गए तुम? और हाँ जितना लूटना था ना तुमने मेरे भाई को, उतना लूट चुके हो तुम लोग। अब मैं आ गई ना इस कंपनी में, मेरे भाई को लूट नहीं सकते, तुमने ना मेरे भाई की शराफत का फायदा उठा रखा था। अरे मैडम ये क्या बोल रहे हो आप, मैडम आपको शायद पता नहीं है मैं इस कंपनी का अकाउंटेंट हूँ, और सारी टेली मैंने देखी है, इस महीने तो हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, और आप कैसे बोल सकते हो कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। मैडम आपको भी पता है हम ना इस कंपनी में हार्ड वर्क करते हैं, ताकि हमारे को साल में एक बार बोनस तो मिल सके, और आप उस बोनस को भी काट रहे हो। मैडम ये आप ना अच्छा नहीं कर रहे, और आपको पता भी है आपके जो भाई है ना बहुत अच्छे इंसान है, उनको पता है कि हम पूरे साल कितनी अच्छे से मेहनत करते हैं, और फिर उसके बाद जो आपके भाई है ना हमारे को बोनस देते हैं, और वो चीज़ हमारे को बहुत अच्छा लगता है। पर आप मैडम ऐसा कैसे कर सकती हो ये बताओ, और मैडम हम भी चाहते हैं कि हमारे को अच्छा बोनस मिले, पर एक आप। अरे रशीद क्या हुआ, अकाउंटेंट साहब के साथ इतनी गर्मा गर्मी क्यों? अरे भैया देखिए ना, हमारी कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट में गई है, और मैं इनको बोनस के तौर पे बढ़ाकर पैसे दे रही हूँ, लेकिन ये है कि 21,000 की जगह 11,000 रुपए अड़े हुए कि नहीं, हम तो 11,000 रुपए ही लेंगे। अरे भैया आप ही बताइए ना, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? सब बात है, मैं तुमसे यही चाहता था कि तुम अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा बर्ताव करो और उसको अच्छा बोनस दो। अगर हम ऐसे ही काम करते रहे ना, तो एक दिन हमारी कंपनी ना बहुत ऊंचा नाम करेगी अपना। थैंक यू भैया जी। अरे बस करो जसमीत, कितना झूठ बोलोगी तुम मेरे से, मुझे पता है कि तुम कैसा बर्ताव कर रही हो एम्प्लॉय के साथ, और तुमने इस बार कैसा बोनस दिया एम्प्लॉय को, बिल्कुल छोटा सा। अरे भैया क्या पता है आपको? नमस्ते साहब। नमस्ते, क्या हुआ गार्ड साहब, आपने इतना मुंह क्यों लटका रखा अपना, मेरी बहन ने बोनस तो अच्छा दिया ना तुम्हें। वैसे मैंने इस बार उसको बोला था कि तुम्हें बोनस अच्छा दे सबको। मिला ना साहब ये मिठाई का डब्बा और बोनस में 11 रुपए। साहब जब तक आप ऑफिस में थे कितना अच्छा बोनस मिलता था, और साथ में कपड़े भी, और इस बार आपकी बहन बैठी है कुर्सी पे, तो हमें बस यही मिठाई का डब्बा और 11 रुपए मिला है। क्या तुम्हें बस इतना सा बोनस दिया उसने? मैं तो उसे बोलता कि बहुत ज़्यादा बोनस देना, पर तुम्हें इतना सा बोनस दिया। मैं भी इससे जाके बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और मुझे लगा कि तुम बाहर से MBA करके आई हो लंदन से, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मैं कंपनी दे दूँ तो तुम अपनी कंपनी अच्छे से तरह चलाओगी, पर इस तरह से अगर तुम कंपनी चलाती रहोगी ना, तो एक दिन ना पक्का हमारी कंपनी पर ताला लग जाएगा। इस बार हमारी कंपनी ने सबसे अच्छा किया है, फिर भी तुमने वर्कर्स को इतना कम बोनस दिया और इतना बुरा बिहेव किया है, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहने में। सॉरी भैया, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई,
और मैं आगे से ध्यान रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती हूँ और उससे माफी मांगती हूँ और उसको बोनस भी दे देती हूँ। ठीक है बहन, अब तू जल्दी जा। और हाँ अकाउंटेंट साहब, जो भी मेरी बहन ने तुम्हारे साथ किया है ना गलत बिहेवियर, मैं उसके लिए बिल्कुल ना माफी मांगता हूँ। और ये लो आपका बोनस। थैंक यू सर। अरे साहिल मुझे ना माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। देखो साल भर का त्यौहार इतना बड़ा होता है, दिवाली का त्यौहार जिसमें हमें खुशियां मनानी चाहिए, और मैं क्या कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हें 11 रुपये दे के तुम्हें कोई घर भेज रही थी। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं जाके तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आ सकूँ, तो मैंने ना इन पैसों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलाए हैं, तुम अपने लिए कपड़े भी खरीद लेना और ये तुम्हारे बोनस के पैसे, ये लो रखो इसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब।